अंतरिम बजट पेश होने के बाद बीजेपी नेता बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं बजट की तारीफ भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर कहा कि भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र का रोडमैप बनाने का जो सपना देख रहा है वो पूरा होना चाहिए और इसकी रणनीति क्या होगी इस पर भी बातचीत उन्होंने की है। इसके लिए रोडमैप में क्या शामिल किए गए इस बारे में उन्होंने बताया है। जो जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत होगा उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। जी ने देश के अमृत काल के फाउंडेशन रखने की दिशा में जिस विजन और रोड मैप के साथ काम किया है उसी रोड मैप को चरितार्थ करता हुआ यह बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा, किस स्ट्रेटजी किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले दो दशकों में, इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो मोदी जी ने जो बड़ा लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के लिए निर्धारित किया है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके एक फाउंडेशन के रूप में उसके न्यू के रूप में यह बजट काम करेगा।